थाना उनचौकी सेगावा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गोलवाड़ी में एक व्यक्ति अपने घर में उसका शव चित अवस्था में पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के प्राप्त होते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसका सेगावा पुलिस द्वारा अंधेकत लगा 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश किया गया है। गठित पुलिस टीम द्वारा मृतक के परिजनों से जानकारी लेने पर पाया गया कि मृतक शराब का आदी था, जिस कारण से उसकी पत्नी कुछ दिनों पूर्व अपने मायके चली गई थी। गठित पुलिस टीम द्वारा प्राप्त जानकारियों के आधार बनाकर गांव में मुखबिरों को उक्त घटना से संबंधित जानकारी एकत्रित करने हेतु लगाया गया। परिणाम स्वरूप जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक गणेश उर्फ पप्पू के दोस्त दिलीप का घटना के बाद से ही हाव भाव बदला हुआ है एवं वह डरा सहमत दिख रहा है। बारीकी से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 26/4/2022 के दोपहर करीब 4 बजे वह और मृतक गणेश उर्फ पप्पू मृतक के घर में शराब का सेवन कर रहे थे। तभी मृतक गणेश उर्फ पप्पू दिलीप की बहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे, जिससे दिलीप और मृतक गणेश उर्फ पप्पू के बीच में विवाद हो गया। इसी कारण से मैंने गणेश उर्फ पप्पू के सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी एवं घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व घटना कारित करते समय पहने गए कपड़े अपने घर में अलमारी के पीछे छुपा दिए, जिन्हें आरोपी दिलीप की निशादेही पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घर से जब्त किया गया है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।